अपनी श्रद्धा सुमन और सम्मान आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कहानी के माध्यम से अपने गुरुओं को समर्पित करता हूँ। कहानी है गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की। बहुत पुरानी घटना है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी, जब भारत में कुरु वंश का शासन बहुचर्चित था। उन दिनों एक भील बालक था जिसका नाम एकलव्य था। वह भीलों के राजा का पुत्र था। एकलव्य एक सुंदर गठीले बदन वाला एक होनहार बालक था और अपनी उम्र के बालकों से बहुत भिन्न था। छोटी उम्र में ही उसके बड़े स्वप्न थे, स्वप्न के विचार थे, जिसके कारण सभी उससे प्रभावित रहते थे। एक दिन भील राजा अपने पुत्र एकलव्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे और विचार में थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और बेचैन दिखाई दे रहा था। अन्य बच्चों की तरह उसका मन बचपन की शरारतों में नहीं बल्कि किसी उलझन में उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। पिता पुत्र एकलव्य से इस गंभीरता का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपने दिल की बात अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और उसकी शिक्षा में गुरुद्रोण से लेना चाहता हूँ। यह सुन पिता सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि गुरुद्रोण राजकुमारों को ही शिक्षित करते हैं और भील जाति को विद्या देने में गुरुद्रोण के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी उसके आगे पिता कुछ नहीं कह पाते हैं। अपने पुत्र को गुरुद्रोण के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं। एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की तरफ यात्रा शुरू करता है और कई तरह के स्वप्न और प्रश्न उसके मन में रहते हैं। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे होते हैं। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करता है उसकी आंखें तेजी से गुरुद्रोण को ढूंढती हैं। उसने कभी द्रोण को देखा नहीं था लेकिन उसके अंतरपटल में उनकी एक विशेष छवि थी। उसी छवि को वो ढूंढता रहता है। उसने आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बालक के साथ गुरु को देखा जो उस बालक को धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे थे। एक झलक में ही एकलव्य को एहसास हो जाता है कि यही है जिनसे उन्हें विद्या लेनी है। एकलव्य गुरुद्रोण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करता है। एक अपरिचित चेहरे को देख गुरुद्रोण प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तुम कौन हो जिसे मैंने कभी अपने आश्रम में नहीं देखा? एकलव्य विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उत्तर देता है, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा के लिए बड़ी दूर से आया हूँ। द्रोण कहते हैं, तुम भील हो अर्थात शास्त्रों के नियमानुसार तुम एक शूद्र जाति के बालक हो। हे बालक, मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और शास्त्रानुसार मैं केवल उच्च कुल के अर्थात राज परिवार एवं ब्राह्मण के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। एकलव्य को गुरु की बात सुनकर बड़ा गहरा आघात पहुंचता है। उसे यह प्रथा एक असहनीय पीड़ा देती है। वो शीश झुकाए खड़ा रहता है। तभी समीप खड़ा राजकुमार अपमान शब्दों में एकलव्य को वहां से जाने को कहता है। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो एकलव्य से कहता है, क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा भी ध्यान नहीं? जो तुम गुरु श्रेष्ठ से विद्या सीखने की इच्छा लेकर यहाँ आए हो। इस तरह अर्जुन एकलव्य को आश्रम से अपमानित करके बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है। एकलव्य भारी सा मन लिए आश्रम से बाहर निकल जाता है लेकिन उसके धनुर्धर बनने की इच्छा में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं होता बल्कि वो दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पाने के विचार में लग जाता है। अपने क्षेत्र में आकर वो जंगल के एक शांत स्थान को चुनता है, उसे स्वच्छ करता है और वहाँ गुरुद्रोण की एक भव्य प्रतिमा बनाता है और दिन प्रतिदिन उसकी पूजा कर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अपनी लगन एवं गुरु के प्रति निष्काम श्रद्धा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती जाती है। वह एक महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों बाद
एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था, तभी एक कुत्ता भौंकने लगता है जो उसके अभ्यास में विघ्न डाल रहा होता है। पहले वो भौंकने की आवाज को नजरअंदाज करता है, लेकिन बहुत देर होने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष उठाकर उस कुत्ते की तरफ निशाना साधता है और बिना कुत्ते को आघात किए उसके मुंह में तीरों को इस तरह भर देता है कि कुत्ते का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता। इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उस समय उस वन में कुछ ही दूरी पर गुरु द्रोण के साथ सभी राजकुमार अभ्यास कर रहे होते हैं। तब सभी की नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है, जिसे देख गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके मन में यह जिज्ञासा उठती है, यह कौन महान धनुर्धर है जिसने उन इतने अच्छे तरीके से कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया है। द्रोण उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और सभी के साथ वन में उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई देता है, जिसे वे पहचान नहीं पाते और पूछते हैं, क्या तुम वो धनुर्धर हो जिसने कुत्ते का भौंकना बंद किया है? एकलव्य उसी विनम्रता से प्रणाम करते हुए हाँ में शीश झुकाता है। गुरु द्रोण कहते हैं, हे महान शिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया है। तब एकलव्य शीश झुका कर कहता है, मेरे महान आदरणीय गुरु का नाम गुरु द्रोण है। यह सुन द्रोण आश्चर्य से कहते हैं, यह कैसे संभव है? द्रोण तो मेरा नाम है, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। एकलव्य द्रोण को उनकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में हुई वो घटना याद दिलाता है। हे गुरुवर, मैं वही भील बालक हूँ जो आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके गुरुकुल में आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर मना कर दिया था, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल थी, इसलिए मैंने आपकी प्रतिमा के सामने दिन प्रतिदिन आपको गुरु मानकर अभ्यास किया और एक धनुर्धारी बन सका। यह देख गुरु द्रोण के मन में बहुत खुशी होती है, लेकिन उनके अहम को आघात भी पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने यह प्रण लिया था कि वे अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधारी बनाएंगे और एकलव्य के होते यह संभव नहीं था। गुरु द्रोण अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाते। तब वो गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम यह जानते हो कि शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुनकर एकलव्य बहुत खुश होता है। उसके लिए तो बड़ी बात थी कि गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य कहा, और वह कह देता है, हे गुरुवर, मेरा यह धन्य भाग होगा अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं। आप जो कहेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। द्रोण कहते हैं, एक बार सोच लो, अगर तुम ना दे सके तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। एकलव्य कहता है, आप जो कहेंगे मैं प्राण देकर भी दूंगा। गुरु द्रोण बड़ी क्रूरता से कहते हैं, हे महान धनुर्धर, मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूँ। जिसे सुनकर वहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि किसी धनुर्धारी से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मानना अर्थात उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर ही था। लेकिन गुरु द्रोण को अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना ही था, जो एकलव्य के रहते हुए नहीं हो सकता था। एकलव्य ने मुस्कुराते हुए अपने कमर में बंधे चाकू को निकालता है और बिना किसी विपदा के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को दक्षिणा दे देता है। ऐसा करते ही गुरु द्रोण को आत्मग्लानि होती है, लेकिन वो अपने प्रण के आगे निष्ठुर बन जाते हैं। गुरु द्रोण आगे बढ़कर एकलव्य के शीश पर हाथ फेरते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पुत्र, अंगूठा देने के बाद भी इतिहास के पन्नों में एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के मुख पर होगी। जब कोई गुरु दक्षिणा एवं गुरु निष्ठा की बात कहेगा तब तुम्हें ही गिना जाएगा। इस तरह एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के भी महान धनुर्धर बनता है और अपनी गुरु निष्ठा एवं गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हिंद।